हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोहिनाज किचन में। आज की स्पेशल रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है वेज चाउमीन। हर किसी के फेवरेट, तो झटपट बनाते हैं वेज चाउमीन, घर पर हम बनाएंगे और ये बन भी बहुत ही जल्दी जाते हैं, समय नहीं लगता है और खाने में उतने ही स्वादिष्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से आज का वीडियो। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक पैन जिसमें मुझे डालना है दो से ढाई ग्लास पानी, और उसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच नमक, और इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल दो चम्मच। अब पानी को हल्का सा बॉयल होने देते हैं। जैसे लगे आपको कि ये बॉयल होने वाला है वाटर, तभी हम वेट करते हैं अभी इसका कि ये देखिए हल्का हल्का बॉइलिंग वाली स्टेज आ रही है इसकी पानी की। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्टी ट्रीट का, मैंने ले रखा है ये नूडल्स का पैकेट, तो इस तरह से मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी ले लीजिए। तो आपको इसे जस्ट निकाल कर हम पानी में डाल देंगे। अब जैसे ही पानी अच्छे से बॉयल होगा ये अपने आप पूरा सेपरेट हो जाएगा, और विद इन 2-3 मिनट्स में ये हाफ कुक हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। और हमें पूरी तरह से इसे सॉफ्ट नहीं करना है, बस हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, मतलब हमें इसे कम से कम 70-80% जो है वो हमें पकाना है, बॉयल करना है। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, देर नहीं लगती इसमें। इसे हम फटाफट से पहले बॉयल कर लेते हैं, आगे की प्रोसेस में और आपको बताती हूँ फिर हमें करना क्या है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो गए हैं। अब हम इसमें वेट करेंगे बॉयल आने का। ये देखिए जैसे ही ये अच्छे से प्रॉपर बॉयल होता है तो बस समझिए ये हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। तो हम फ्लेम को कर देते हैं बंद, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। ये देखिए आप हाथ से इस तरह से दबाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपके ये कितने परसेंट तक कुक हुए हैं। तो मैं बंद कर देती हूँ फ्लेम को। अब हमें इसे करना है स्ट्रेन, तो यहाँ मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, इसे हम डाल देंगे और सारा पानी इसका निकाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसको फैलाकर रख दूँगी पानी निकाल कर। इस तरह से फैला दीजिए। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पैन में थोड़ा सा ऑयल, जिसे हम डालेंगे 3-4 कली लहसुन की। गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाउमीन में, तो इसे थोड़ा सा डालेंगे और हल्का सा भून लेंगे। हमें हल्का सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे लहसुन को। बस जैसे ही लगे आपको किसकी खुशबू आनी शुरू हो गई, हल्का सा हमारा कुक हो गया। मैं डाल रही हूँ एक हरी मिर्ची, इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने लंबाई में कट किया हुआ है। इसे भी बहुत ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हमें सॉटे करना है, इसे हल्का सा करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल। यहाँ मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची ली है, आप जो चाहो आपकी मर्जी के अनुसार ऐड कर सकते हो। पहले पत्ता गोभी डालेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जैसे ही लगे हल्का सा पत्ता गोभी का कलर चेंज हो गया है और हल्का सा आपको लगे कि ये सॉफ्ट हो गई है थोड़ी सी पहले से, तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। मिला लेते हैं अच्छे से। अब ऐड कर देंगे हम इसमें शिमला मिर्ची
शिमला मिर्ची को भी थोड़ा सा लेके हम चला लेंगे। एक छोटा चम्मच डालूंगी मैं काली मिर्ची का पाउडर, देखिए सारी वेजिटेबल्स जैसे हाफ सी कुक हो गई हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे सिरका, ये सफ़ेद सिरका मैंने लिया है, एक चम्मच डालूंगी। अब हम इसमें ऐड करना है सोया सॉस, यहाँ मैं दो चम्मच ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिला लेंगे, फ्लेम को हम हाई पर ही रखेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे दो चम्मच टमाटो सॉस। मिलाते जाएंगे और हम डालते जाएंगे सारी सॉसेस। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक चम्मच रेड चिली सॉस, आप पे ग्रीन हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए वेजिटेबल्स भी हमारी काफ़ी हद तक जो हाफ कुक होनी चाहिए वैसी हो गई हैं, सॉसेस भी हमने ऐड कर ली हैं। अब बारी है हमारी जो हमने नूडल्स का पैकेट जिसे हमने बॉईल करके रखा था, ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाइंड हो गए हैं। बस बॉईल करते समय इसमें रिफाइंड ऑयल और नमक दोनों ऐड कर दीजिए तो ये स्टिकी बिल्कुल नहीं होते हैं, और करना इसे हाफ कुक है हमें। ऐड करके हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पैचुला से या फिर इस तरह से फोक की हेल्प से बहुत अच्छे से मिला लीजिए और एक या दो सेकंड के लिए हम इसी तरह से अच्छे से मिलाकर फिर इसे एक मिनट के लिए पका लेंगे। तो बस, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। गर्मा गर्म हमारी वेज चाउमीन रेडी है, आप भी इंजॉय करिए, अपने गेस्ट को भी आप इसे ज़रूर टेस्ट करवाइएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी खाने में। और घर की बनी हुई तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हो और एक हाइजीन का भी ध्यान रखते हो, तो किसी तरह का कोई डर नहीं है। अच्छे से बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, एंजॉय करिए, कभी भी एंजॉय कर सकते हो जब आपका मन हो। फ्रेंड्स, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं सर्व और खाते हैं गर्मा गर्म वेज चाउमीन। मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए आप इस तरह से बहुत ही आसानी से सर्व भी कर सकते हो, नॉट डिफ़िकल्ट। लीजिए, टेस्ट करिए और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, खूब सारा लाइक करिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, और इसे ट्राई ज़रूर करिए अपने घर पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, और आई होप आपको ये पसंद भी बहुत आएगी।